इस तरह की फिल्मों की जगह ना तो सिनेमा घरों में ज्यादा देर तक चलेगी और ना ही अवाम के दिलों में। इस तरह की फिल्में सिनेमा की बहाली नहीं बल्कि बदहाली की एक जीती जागती तस्वीर हैं। आज हम रिव्यू करेंगे एक्शन रोमांस थ्रिलर जिन्होंने इश, जिसे लिखा है वाजिद जुबैरी ने और डायरेक्ट किया नसीम हैदर शाह ने। कास्ट में शामिल है हीरो अदनान खान एज राजा, माही खान एज साहिबा और आमिर कुरैशी एज गुलबाज, जो कि एक नेगेटिव रोल में या विलन के रूप में नजर आते हैं। फिल्म की कहानी गुलबाज से ही शुरू होती है। उस मैडली इन लव विद साहिबा और उसका ये जुनून इस हद तक बढ़ चुका है कि वो ना तो अपनी जान लेने से दरेक करता है ना ही किसी की जान लेने से। बहुत आसानी से किसी का हाथ काट देना उसके लिए मामूली सी बात है, कसाई है या आशिक डिफाइन करना जरा मुश्किल है। गुलबाज के कैरेक्टर में आमिर कुरैशी का वार्डरोब, उनकी स्टाइलिंग, कान में बाली, फ्रंट ओपन शर्ट और चेहरे पे स्टब एक जुनूनी आशिक से ज्यादा गुंडे के रूप में जो है उनकी जो ये प्रेजेंस है वो ज्यादा कन्विंसिंग लगती है। डायरेक्टर इस कैरेक्टर की वन ट्रैक वायलेंट नेचर दिखाने की बजाय अगर इसकी साइकोलॉजिकल लेयर भी इसमें ऐड कर देते तो कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रांग हो सकता था। आमिर कुरैशी जो कि एक अच्छे एक्टर है, बैड डायरेक्शन की वजह से ही फेल्स टू क्रिएट अ लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन थ्रू हिज एक्टिंग। अदनान जो इस फिल्म के हीरो हैं वो पीएस एज राजा किसी हिल स्टेशन के छोटे से गांव में रहते हैं, एक पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं। फिल्म में शुरू से ही उनके चेहरे पे एक बेचारगी का आलम नज़र आता है, मौका खुशी का हो या गम का, थ्रू आउट द फिल्म ही हैज़ द सेम एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इस फिल्म में सबसे ज़्यादा बुरी एक्टिंग अदनान ने की है। बात करें अगर हीरोइन माही खान की तो उनकी एक्टिंग भी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है। बाद सीन्स में वो डायलॉग्स बोलने की बजाय चीखती हुई नजर आती हैं, विच बिकम्स वेरी इरिटेटिंग एट सम पॉइंट टू द ईयर्स। साहिबा का कैरेक्टर देख के ये भी मालूम होता है कि फिल्म में जुनूनी सिर्फ गुलबाज नहीं बल्कि हीरोइन खुद भी एक साइकोपैथ से कम नहीं। बदले की खातिर गाड़ी के नीचे देखकर किसी को मार देना इज नो बिग डील फॉर हर। प्रोबेबली गुलबाज एंड साहिबा वर परफेक्ट मैच फॉर इच अदर। साहिबा के वालिद का रोल अदा किया फिल्म स्टार शाहिद साहब ने। पाकिस्तानी सिनेमा के गोल्डन एरा में काम करने वाली सुपरहिट एक्टर्स, इनको इस तरह की फिल्मों में देखना और इस तरह के माइनर कैरेक्टर्स में देखना इज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। फिल्म की टेक्निकल साइड इज ऑल्सो वेरी वीक। कलर ग्रेडिंग इनडोर और आउटडोर, खासतौर पर जो कागान और नारान वैली वाले सीन्स हैं, इट इज़ टोटली डिफरेंट। कुछ सीन्स आउट ऑफ फोकस भी हैं, डबिंग बहुत बुरी है, लिप सिंक पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, ऑडियो की जो टाइमिंग है वो लिप्स की मूवमेंट से एट टाइम्स मैच नहीं करती टू द पॉइंट दैट इट बिकम्स वेरी वेरी ऑब्वियस। सिनेमेटोग्राफी इज बिलो एवरेज, इट लैक्स डेप्थ ऑफ फील्ड। बास सीन्स में एक्टर्स आर स्टैंडिंग अगेंस्ट अ फ्लैट वॉल वाइल डिलीवरिंग डायलॉग्स। इस तरह के जो फ्रेम्स हैं वो विजुअली बहुत ही बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग होते हैं एंड दे फॉल अंडर बैड सिनेमाटोग्राफी। सेट डिज़ाइन से लेकर लाइटिंग और ओवरऑल फिल्म की जो लुक है वो बहुत अनएस्थेटिकल तरीके से हैंडल की गई है। कागान नारान वैली का इंप्रेशन देने वाली पेंटिंग कैन ईजिली भी आइडेंटिफाइड एज अ फेक बैकग्राउंड। फिल्म में ओवरऑल 8 गाने हैं जिनमें से 2 राहत फतेह अली खान की आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए हैं, एक आइटम नंबर, एक रोमांटिक सॉन्ग। डालने के बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नाकाम होने से नहीं बच सकी। फिल्म के स्क्रीन प्ले का स्ट्रक्चर कदरे बेहतर है, द स्टोरी मूव्स विद द फ्लो, लेकिन बुरी एक्टिंग और बैड डायरेक्शन की वजह से इट फेल्स टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। इस फिल्म का सबसे बड़ा मार्का डायरेक्टर नसीम हैदर शाह का है, जो इससे पहले 30 फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। अवाम को 30 साल पीछे ले गए और 2019 में 80s की फिल्म का छापा मारकर सुर्खरू हुए। आने वाले फिल्म मेकर्स और इन्वेस्टर्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अवाम उस टाइम पीरियड से बाहर आ चुके हैं। इस तरह की फिल्मों की जगह ना तो सिनेमा घरों में ज्यादा देर तक चलेगी और ना ही अवाम के दिलों में। इस तरह की फिल्में सिनेमा की बहाली नहीं बल्कि बदहाली की एक जीती जागती तस्वीर हैं। दिस फिल्म डिजर्व्स 0 आउट ऑफ 5 स्टार।